लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड, ही इज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। इसको आपको निगेटिव में बनाना है, इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव निगेटिव तीनों बनाना है। तो पहले इसका निगेटिव बताइए क्या होगा, कौन बताएगा जल्दी बताओ। ही इज नॉट कंप्लीटिंग, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट, बाकी कंप्लीटिंग इज होमवर्क पूरा आखिरी तक रहेगा। अब आपने एक बात यहाँ पे देखी, क्या देखी कि इसके बाद नॉट लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसके बाद नॉट लगेगा, ठीक है। निगेटिव जब भी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, इज एम आर वाज और डू डज इट हैज हैव हैड विल वुड कैन कुड कैन कुड, ये सब जो होगा इसके बाद नॉट लगेगा तुरंत, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म या जो भी फॉर्म। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगा हो बस उसको सबसे पहले लिख लो, उसका सवाल बन जाएगा। इंट्रोगेटिव माने होता है सवाल पूछना, और उसमें क्वेश्चन मार्क जरूरी है, तो इसलिए पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाले में सवाल क्वेश्चन मार्क लगता है, इस पहले आ जाएगा, आई कैपिटल लिखेंगे, इज ही, फिर इज यहाँ से हट के इधर आ गए तो यहाँ पर थोड़ी ना लिखेंगे दोबारा, फिर डायरेक्ट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब सवाल निगेटिव में पूछना है, यहाँ पे इसका मतलब है वो अपना काम पूरा कर रहा है, यहाँ पे इसका मतलब वो अपना काम नहीं पूरा कर रहा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या वो अपना काम पूरा कर रहा है। अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वो अपना काम नहीं पूरा कर रहा है, तो इज ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो पहले इज लगेगा, इज ही, फिर नॉट आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने कहा हेल्पिंग वर्क के बाद नॉट लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्क आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। इज ही नॉट कंप्लीटिंग हिज एच डब्ल्यू आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। अब इसका अफर्मेटिव बनाना है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। बस जब भी अफर्मेटिव निगेटिव से बनाना हो तो नॉट हटा दो, बस नॉट हट जाएगा, बस आई एम प्लेइंग फुटबॉल आखिरी में डॉट लग जाएगा, ठीक है। इंटरगेटिव जब भी बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर दो, एम आई प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंटोगेटिव निगेटिव बनाना है, एम आई नॉट, एम पहले आया, आई आया, फिर नॉट आ गया, फिर प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो नंबर कट जाएंगे। आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, उसका इंटोगेटिव बताइए। इंटोगेटिव निगेटिव बताना है, तो आर यू, फिर इसके बाद नॉट लग जाएगा, आर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, और इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, डॉट नहीं लगेगा, ठीक है। इसका निगेटिव क्या होगा, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है, समझ गए, आर आगे आ जाएगा, यू आर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। अफर्मेटिव, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है, डॉट, क्लियर है। इंट्रोगेटिव वाले में ही बस क्वेश्चन मार्क लगता है। अब इसका आप कमेंट बताइए तीनों का, आर दे टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट, क्या वे अपना नाश्ता कर रहे हैं,